पिंपरी चिंचवड शहरातील एका 12 वर्षीय मुलीचे 50 लाख रुपयांसाठी अपहरण करण्यात आलं होतं. तिची 9 तासानंतर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी सुखरूप सुटका सुद्धा केली. या प्रकरणी 2 आरोपींना पोलिसांनी जेरबंद केलं असून 12 वर्षीय मुलीचे गुरुवारी सायंकाळी 4 च्या सुमारास राहत्या सोसायटीच्या समोरून अपहरण करण्यात आलं होतं. मात्र पोलिसांनी अवघ्या 9 तासात मुलीचा शोध घेऊन तिची सुखरूप सुटका केली आहे. ही आहे माही जैन, वय वर्ष 12, राहणार क्वीन्स टाउन चिंचवड, असं अपहरण झालेल्या मुलीचं नाव आहे. नितीन सत्यवान गजरमळ, वय 25, राहणार देवगाव, जिल्हा उस्मानाबाद, आणि जितेंद्र पप्पूराम बंजारा, राहणार खेडगाव, असं अपहरणकर्त्यांची नावे आहेत. त्यांच्या चिंचवड पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. कल शाम को 4 बजे क्वीन्स टाउन सोसायटी चिंचवड उधर से ये माही अवैध जैन ये बच्ची को एक गाड़ी में अचानक किडनैप हो गया. ऐसे इन्फॉर्मेशन था, गाड़ी का डिस्क्रिप्शन था शेवरले ऑप्ट्रा गोल्ड कलर. उसके बाद उसको किसी ने फॉलो किया, वो तेज से भाग गया, थोड़ा ओपन एरिया है. तो 8 बजे तक कुछ नहीं था, 7:45 को फोन आया कि डिमांड 50 लाख का रैनसम डिमांड था. तब जाके हमें पता चला ठीक है चलो. इतने में हम ट्रेस करके करके जनरल एरिया हिंजवड़ी में पहुंच चुके थे कि ये गाड़ी, और एक दो गाड़ी भी पता चला कि हिंजवड़ी में और एरिया में पता चला, लेकिन उसको ओनर ट्रेस हुआ, रूल आउट हो गया. लेकिन इवेंचुअली रात को 10-11 बजे करीब टेक्निकल एनालिसिस या फिजिकल में एक जगह XRBR सोसाइटी में पहुँचे. इतने में तो ये जो बच्चे का जो फादर है उनको रैनसम कॉल 4 आया, उसके बाद मैसेज इधर उधर अलग अलग दिशे से. तो हमें अंदाज नहीं हो रहा था एक टीम है क्या, दोनों टीम है क्या, इनका किडनैपर्स का तो लोकेशन क्या है. तो XRBR सोसाइटी में जाने के बाद भी पता नहीं चला कौन सा सोसाइटी में, गाड़ी तो ट्रेस हो चुकी थी. तो इवेंचुअली हमने रात को उनको बोला ठीक है, नेगोशिएट करके इनके थ्रू फादर ने, तुम DY पटेल कॉलेज के पास आ जाना, इतना हम दे देंगे. बोले नहीं आएंगे, बच्ची नहीं लाएंगे. नहीं नहीं, लेना पड़ेगा. ठीक है. तो हमें लगा कि जैसे बाहर निकलेंगे हमें पता चलेगा कौन, 25 सोसाइटी में इतना गेट है, एक जो निकलता है उसको हमें आइडेंटिफाई हो सकता है ये है करके. इतने में एक लेडी आई नेबरिंग, उनको लगा कि ये पुलिस है क्या. हाँ बोले. तो उन्होंने बोला कि ये सोसाइटी में, ये फ्लैट में थोड़ा बच्ची रोने की आवाज़ आई थी. तो फिर हमने फिर वॉचमैन से कह दूँगे ये गाड़ी कहाँ की है, तो बोला यही फ्लैट. तो फ्लैट को जीरो इन किया, एरिया फिर सोसाइटी फिर फ्लैट. फिर उसमें एक आदमी बाहर आया, लकीली तो उसको पकड़ा. तो इतने में दूसरों को थोड़ा आवाज़ में पता चला, दरवाज़ा बंद के लिए, तो तोड़ के अंदर गई, गए तो दूसरा भी मिल गया और बच्ची मिल गई. पोलिसांनी फोन ट्रेस केला होता, यामुळे त्यांचं ठिकाण समजलं. मात्र एवढी मोठी रक्कम शक्य होणार नसल्याने अखेर 15 लाख रुपयांची खंडणी मांडणी झाली. तोपर्यंत गुन्हे शाखाने खंडणी विरोधी पथक हे ज्या ठिकाणी माहीसह आरोपी होते तिथे पोहोचले. हिंजवडीमधील नेरे येथील सोसायटीबाहेर अपहरण केलेले संशयित आहेत असं त्यांना कळलं आणि पोलिसांनी तात्काळ त्यांना जेरबंद केलंय. हे आरोपी मुलीचं अपहरण करून हॉटेल व्यवसाय सुरू करणार होते. और मैं पेन लेने गई, तो जब मैंने पेन लिया तो मैं आई, तभी मैं भाग के जा रही थी वैसे भी, तो भाग रही थी तभी उन्होंने अंदर खींच लिया गाड़ी के अंदर. मैंने पाँव अपना अटकाया मतलब दरवाजे के बाहर, तो उन्होंने मेरा पाँव अंदर खींच के दरवाज़ा बंद कर दिया. और मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि चिल्लाना नहीं, और चिल्लाएंगे तो मारेंगे, ऐसे उन्होंने मुझे बोला. और फिर पहले तो उन्होंने मेरे हाथ एकदम बांध दिए, और फिर सेलोटेप से पाँव भी वगैरह बांध दिए, फिर मुंह भी सेलोटेप से बांध दिए, और आँखें पे पट्टी लगा दी. पट्टी लगाने के बाद उन्होंने मेरे को वो कार के पीछे वाली सीट पर लेटा दिया, और उस मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट मतलब रख दिया, तो उससे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था मतलब क्या है कुछ नहीं. और मुझे ऐसे उठने भी नहीं दे रहे थे, सफोकेशन भी बहुत हो रहा था. पुलिस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस तरह के इवेंट का. जो अंडरस्टैंडिंग मेरा है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. शुरू के जो 12 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर 12 घंटे में आपको अच्छा लीड मिल जाता है और उसमें प्रोग्रेस हो जाता है तो कैस एड्रेस हो जाता है. और जब भी मैं उनके साथ था, जब 7 बजे मुझे पहला कॉल आया, वो लीड 8 बजे तक एक क्लैरिटी आई है कि वो कहाँ पर हैं. तो आई थिंक उसने उसने चीज़ को हेल्प किया है उस मैटर को एड्रेस करने के. तो पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल था.
दूसरा रोल मैं बोलूँगा कि क्विंस्टन फैमिली जो पूरी साथ थी हमारे उस पूरे टफ टाइम में, और जो जो कर सकता था उसने वो किया और अपना बेस्ट जो दे सकते थे उन्होंने दिया। ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरी बेटी को टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं जो मतलब आई एम कॉमन मैन, तो वो मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि मेरी बेटी को क्यों टारगेट किया गया। चयन करण्यासाठी आजची पिढी कोणत्याही थरावर जाऊ शकते, झटपट श्रीमंत होण्यासाठी आत्ताची पिढी काहीही करायला तयार होते, मात्र अशा मुलांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर नक्कीच ही मुले काहीतरी चांगलं काम करू शकतात। आई वडील कामाला जातात त्यामुळे मुलांमध्ये सुसंवाद राहिला नाही आणि त्यामुळेच ही अशी मुले पावले उचलतात। प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड।